@24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सोनाली। मध्य प्रदेश का एक जिला जो अपने कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है, जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले की, जहां सुपारी के खिलौने बनाए जाते हैं और यहां की कलाकृति विश्व भर में प्रसिद्ध है। आज हम आपको बताएंगे कि रीवा में सुपारी के खिलौनों की शुरुआत कैसे हुई। रीवा जिले के सराफा मार्केट में रहने वाले कुंदेर परिवार के लोगों के लिए भले ही यह जीवन यापन का एक माध्यम है, लेकिन इनके इस कलाकृति से रीवा की ख्याति भी जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि कुंदेर परिवार का यह व्यवसाय लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। सुपारी के खिलौनों की शुरुआत सिंदूर की डिब्बी से हुई थी। इसको सबसे पहले 1942 में भगवान दीन कुंदेर ने सुपारी से सिंदूर दान बनाकर महाराजा गुलाब सिंह को भेंट किया था, और इसके पूर्व महाराजा के आदेश पर ही राज दरबार के लिए लक्षेदार सुपारी काटी जाती थी। समय बीतता गया और महाराजा मातन सिंह को वॉकिंग स्टिक भेंट की गई। इस पर उन्होंने 51 रुपए का इनाम दिया था। और फिर भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब सन 1968 में रीवा प्रवास में आई थी, उनको सुपारी का खिलौने का गिफ्ट दिया गया था। फिर उन्होंने दिल्ली पहुंचने के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पैनल में सुपारी के खिलौने को बनाने वाले रामसिया कुंदेर को शामिल किया था, और कई बड़े कार्यक्रम में रामसिया कुंदेर का परिचय कराकर कलाकार का सम्मान भी बढ़ाया था। जब हम कलाकार के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि उन्हें अपने मेहनत और काम के अनुरूप पैसे नहीं मिलते, और शासन प्रशासन के द्वारा मदद का भरोसा तो दिया जाता है, लेकिन वह सिर्फ फाइलों तक ही सीमित है। और साथ ही कलाकार ने सरकार से सुपारी के खिलौनों के लिए प्रशिक्षण ट्रेन भी शुरू करने की मांग की है। आइए आपको सुनाते हैं कलाकार ने क्या कहा है। मेरा राकेश कुंदेर नाम है, राकेश कुमार कुंदेर। सर, आपका ये जो व्यवसाय चल रहा है, इसमें आपको सरकार द्वारा कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, कोई लाभ मिल रहा है? सुविधाएं तो अभी तक मिली नहीं, लेकिन हाँ, बोला गया है कि सुविधाएं देने के लिए, लेकिन अभी तक सिर्फ फाइलों में रखा है। फाइलों में? हाँ जी। सर, ये आप जो अपना व्यवसाय है सुपारी के खिलौने बनाने का, ये क्या आप अपने बच्चों को भी ट्रांसफर करना चाहेंगे, मतलब उन्हें भी देना चाहेंगे? वो तो देना चाहते हैं, लेकिन बच्चे अगर करना चाहते हैं तो करेंगे, वो तो हम करवाएंगे, लेकिन आज की जनरेशन जो है तो वो मोबाइल वगैरह में रह गई, अब खेल कूद वाला नहीं रह गया, इतना वर्क नहीं करता जिस तरह हम लोग करते हैं, ये मेहनत वाला काम हो गया है, तब वो चीज़ नहीं है। अब यही चीज़ चाहते हैं, ये गवर्नमेंट हमसे सपोर्ट करे तो उसमें ट्रेनिंग पीरियड हम कर सकते हैं, तो उसमें हम ट्रेनिंग के हिसाब से इसके माध्यम को बढ़ा सकते हैं कि हमारा ये सुपारी खिलौने आज भी जा रहे हैं, विदेशों में सप्लाई किए जा रहे हैं? आज भी चल रहे हैं, लेकिन लोकल के हिसाब से, यहीं के थ्रू, यहीं हिसाब से जा रहे हैं। जैसे आप आए हो, आप ले जा रहे हैं, दे रहे हैं किसी गिफ्ट, तो वो दूसरे को दे रहे हैं, कई मतलब बाहर जा रहे हैं, सीधे न जाकर अप्रत्यक्ष रूप से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और एक सुपारी खिलौने में बनाने में लगभग कितनी लागत आती होगी? नॉर्मल 4 इंच का गणेश जी जैसे ये है, इसे इस साइज के हिसाब से ये वाले बनाते हैं, तो इसमें हमारा 120 रुपये लगते हैं एक पीस बनाने में। हाँ, तो क्या आपको जितना आपकी लागत आती है उस अनुरूप आपको पैसे भी मिल जाते हैं? नहीं मिल पाते हैं, वो कहा कि आज की डेट में जो 300 रुपये सुपारी थी, आज जस्ट इसके अपोजिट है, अपोजिट के ऊपर भी है, 700 रुपये पर केजी सुपारी है इस समय। तो आज की डेट में जो कस्टमर को हम बोलते हैं कि मतलब हम 350 को आपको दे रहे हैं, तो 350 लेने से मना करता है, वो मना कर देता है, तो उस चीज़ में कहता है कि हमको 200 रुपये चाहिए, 250 रुपये चाहिए, तो वो चीज़ नहीं हो पाता, कहा कि हमारा वर्कआउट नहीं मिल पाता उसमें। अच्छा, तो आपके मेहनत अनुरूप आपको मेहनताना नहीं मिल पाता, आपके खिलौनों को उचित रेट नहीं मिल पाता? हाँ जी, वही के कारण है।